हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर जादू। तो क्या हालचाल है, एकदम बूम बाम हो ना। तो फिलहाल के बात करें इस गेम में, तो इस गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बिकॉज मज़ा क्यों आने वाला है, क्योंकि इसमें मिलेगा आज तुमको जोनाथन भैया और साथ ही साथ फौजी भैया और भी बहुत सारे महंगे महंगे यूट्यूबर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटी सी क्लिप है वो मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिए। तो फिलहाल के इस बात करें इस गेम की, तो भाई इस गेम में क्या होता है, लैंड करते हैं जैसे ही इस फलंतरू पर, भाई साहब उतरते ही भाई साहब बूम बाम करना स्टार्ट कर दिया। तो फिलहाल के मुझे मिल जाती है कि हमारे देखो भाई बंदे कैसे भरते हैं करके। कोई नहीं है क्या? नहीं, एक्स कोड है ना। सर गाइस, जैसे ही उतरता हूँ दो बंदे मिल जाते हैं भाई सब निहत्ते, तो इनको चटकाते हैं। तभी मैं इस साइड आता हूँ तो भाई एक बंदा मुझे और दिखता है जो कि उछल कूद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। देखो उसको भी कैसे लपेटते हैं। सो गाइस, ये बंदा कोने में कैम करके बैठा होता तो इसको भाई मारता हूँ, छोड़ता हूँ, मारता हूँ, इतने में इसको फिनिश करने में लग जाता हूँ और भाई साहब का दूसरा बंदा आ जाता है जो कि मुझको नॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पर मेरा टीममेट जो होता है स्टंप मुझको बाल बाल और सेफली बचा लेता है। फिलहाल गाइस यहाँ पर बचने के बाद मैं फटाफट में क्या करता हूँ, थोड़ी डीपी किसे मतलब यार किल फीट चमकाते हैं, क्योंकि भाई साहब डीपी का भी किल फीट बहुत कम चमकने को मिलता है। फिलहाल गाइस यहाँ पर डीपी का किल फीट चमकाते हैं और थोड़ा हीलिंग वीलिंग लगाते हैं और भाई साहब यहाँ से अब निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। और गाइस जैसे निकलते हैं और एक कैंपर्स हो जाती है मुठभेड़, और तभी सर गाइस मतलब समझ रहे हो ना, इन कैंपरों का कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। पता नहीं कब से बैठा था यार, आऊंगे बंदे मारेंगे लेकिन आऊंगे में इनकी लंगी हो गई। इसे उम्मीद नहीं थी कि पूरा स्क्वाड एक साथ आ जाएगा। तो फिलहाल गाइस अकेला तो अकेला होता तो भाई शायद ये पेल भी देता दोनों को, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा बैकअप आता हुआ और भाई साहब इसको नॉक टू फिनिश कर देते हैं। और भाई साहब अब यहाँ से बग्गी लेकर निकलते हैं और भाई गलत ही सीन होंगे नेक्स्ट लेवल वाले। देखो भाई तुम्हारा इस गेम में बग्गी कैसी नचा नचा के चलाएगा। भाई फाइट ना, यहाँ पर हो रही होती फाइट तभी मेरे टीममेट ऑलरेडी इंगेज कर जाते हैं। तो इतने में मैं भी इंगेज कर लेता हूँ अपने टीममेट को साथ लेकर भाई साहब। और भाई साहब और होता क्या यार, दो बंदे में गाड़ी से लुड़का देता हूँ, उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने में भाई साहब लेफ्ट से बंदा कोई और फायर देता है और देखो उसको भी कैसे चटकाते हैं। यार इसको मारते हैं तभी इसके टीममेट राइट से फायर देते हैं, तो भाई जब मेरी हील हो जाती है काफ़ी लो और मेरे पास बैंडेज नहीं होते, मैं सोचता हूँ ऐसे लेने की कोशिश कर लेता हूँ, हेड वेड भी कनेक्ट कर लेता हूँ, अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ। लेकिन यहाँ 2x16 से मैं चलाता नहीं हूँ, लेकिन यार रेड डॉट होता तो आई होप इसको बहुत ही आसानी से मैं चटका सकता था। तो फिलहाल यार मेरा टीममेट आ रहा था भाग करके टाइगर और मुझको आसानी से रिवाइव दे देता, और भाई से मैं रिवाइव देता हूँ। मैं देखता हूँ मेरी बग्गी के दोनों टायर फूट चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई देखो फूटी टूटी बग्गी से क्या ही क्लच मारता है जा करके। सो गाइस यार बग्गी ड्राइव के लिए एक लाइक तो बनता है प्लीज, और मेक श्योर यार लाल वाले बटन को भी काला पीला कर देना तो बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा। तो फिलहाल गाइस इस बंदे को भी नॉक टू करके फिनिश कर देता हूँ और भाई साहब फटाक से मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ पूरी और आपको मजा आ जाएगा। भाई साहब एक ही लॉबी में 4-5 यूट्यूबर वो भी इतने भर भर के नेक्स्ट लेवल वाले। फिलहाल गाइस
चलते हैं एक बार क्लिप की तरफ। सो यार गाइस चलते हैं फटाफट यार आ गए। देखो भैया एक जो होते हैं मेरे टीममेट नंबर वन पर जोनाथन होते हैं भाई साहब, जो कि गोल्डन अपनी कार चला रहे थे, और भाई साहब नंबर तीन पर होता है फ्रेडी बेंच जो कि लाल वाली लंबरगिनी चला रहा होता है, मतलब यार कोंग निशांग जो कि मेरी फेवरेट है। मतलब इस बार तो पूरी लॉबी तगड़ी आ गई थी। तो गाइस एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस गेम में। फिलहाल गाइस ये गेम की फिलहाल इतनी क्लिप थी, ज़्यादा क्लिप इसमें नहीं है, मतलब गहरा खास मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो फिलहाल गाइस चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। अगर ये क्लिप देख के मज़ा आ गया हो और आप भी चाहते हैं कि ऐसी जोनाथन और फ्रेडी जैसे मतलब महंगे महंगे यूट्यूबरों के साथ गेम प्ले आए तो जरूर कमेंट करके बताना भाई साहब। चलिए अब देखते हैं अपना गेम। तो यार मेरे भाई ये बंदा ऊपर ऑलरेडी टीपी पे लेके बैठ गया था कि इनने सोचा कि दो दीवार पार करेगा उसको पेलेंगे, लेकिन ये पता नहीं जो टीम आई है उनके मतलब बोल सकते हो यार गुरुजी लेवल के बंदे आ गए। तो फिलहाल गए यार यहाँ पर मैं फटाफट एक बंदे को नॉक करके थोड़ा हीलिंग विलिंग लगाता हूँ, अपने टीममेट से बोलता हूँ पैनिक नहीं होने का, इजी मारेंगे बहुत ही आसानी से मारेंगे। तो भाई ये बंदे बेहद ही चला होते हैं, एक फुट स्टेप दे रहा था बाकी के पूरा स्क्वाड कैम्प करके बैठा था। देखो इनको भी मारेंगे लेकिन इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल गया मेरे टीममेट ऑफलाइन होने की वजह से यार जोन से मारा जाता है, तो गाइस टेंशन नहीं लेने का। तो फिलहाल गई चलते हैं सीधे पुश मारते हैं। अब देखो इनको बंदे की कैसे निपटाते हैं। Awesome. भाई साहब यहाँ पर एक बंदे को मैं मार देता हूँ, दो बंदे को मैं मार देता हूँ और एक बंदे को मेरा टीममेट मार देता है, लेकिन यार इस चक्कर में हमारा एक जो टीममेट होता है नंबर दो वो शहीद हो जाता है। तो फिलहाल उसका बदला तो हम भर भर के ले लेते हैं और किल हो चुके थे 10 बंदे बचे थे 18 और, जिसमें से तो हम और होते हैं। तो भाई साहब अभी किल और चाहिए भर भर के, लेकिन इतना आसान नहीं, चारों तरफ बंदे बैठे हैं, कोई स्नैपिंग कर रहा है भाई साहब, कोई सप्रे मार रहा है नेक्स्ट लेवल वाले। देखो भाई साहब बाजू में आजू में सब तरफ बंदे बैठे हैं, देखो भाई कैसे कैसे निपटाते हैं हर एक को। तो यार सामने बंदा बहुत उंगली कर रहा था जिसको मैं बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन यार मेरा टीममेट मेरा मतलब नॉक निकाल लेता है, लेकिन भाई साहब किल नहीं मिलता बिकॉज उसका टीममेट वहाँ होता है तो इजीली रिवाइव दे पाता है। तो फिलहाल पीछे बंदे आ जाते हैं और भाई साहब मैं नॉक करने के चक्कर में जैसे पहुँचता हूँ कोई बंदा मुझे पीछे से टपाटप देने की कोशिश करने लगता है, और तभी तो यार मेरे दोस्तों भाई लोग यार यहाँ पर फिर मेरा जो टीममेट होता है फिर नॉक करा लेता है, मतलब यार एक किल का घाटा करा देता है, और भाई साहब मैं उसे फिनिश करने के लिए जाता हूँ इतने में मुझको भी कोई नॉक कर देता है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एक तो किल के ऊपर से नॉक और सामने गिली सूट वाला भी पकड़ पतली गल से निकल लेता है। भाई साहब इस गिली सूट वाले से बदला मैं आगे लूँगा, लेकिन सामने हो रही है फाइट जिसमें से बंदा एक को मार चुका है, भाई साहब दूसरे बंदे का किल मैं कैसे चुराता हूँ। बच गया पीछे से पड़ रही तो यार मेरे भाई सामने वाले बंदे को तो मैंने बहुत ही आसानी से नॉक कर दिया है, लेकिन गाइस यहाँ पर पीछे कोई टपाटप कर रहा था, लेकिन जोन भी आज कसम खा के बैठा रहता कि भैया फौजी भैया पैसे नहीं जाऊंगा। तो भाई सब कति जोन हम पे बन रहा था हर जोन, और भाई सब हमें हिलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बंदे ऑटोमेटिकली हम पे अट्रैक्ट हो रहे थे बिकॉज जोन हम पर था और मेन बिल्डिंग थी, और भाई सब हम दो ही काफी थे पूरी स्क्वाड के लिए। भाई सब बोले तो खतरनाक, कोई टीम भी ऊपर नहीं आ सकती थी हमारे होते हुए। फिलहाल तो गाइस इसमें नेट वेट तो इतने होते नहीं तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो फिर भी यहाँ पर मेरे टीममेट को कोई टपाटप दे देता है, और गाइस तभी उसने मुझे भी डाल दिया। Awesome. ये मुझे हैकर बोले क्या, ये वाला बच्चा है। तो यार गाइस सीन क्या था यहाँ पर, यार बंदे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो भाई साहब किल का घाटा हो जाता है बिकॉज मुझे यहाँ पर मेरे भैया जी की कॉल बहुत आने लगी थी, यार भाई की कॉल पे कॉल आ रही थी जिस कारण यार मैं थोड़ा किल कम कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ पर सामने एक बंदा होता है ब्रोकन पे, मैंने कहा भैया इसका किल तो लेना चाहे कुछ भी हो जाए, तो फटाफट थोड़ा सा फ्री फायर मारता हूँ, 2-3 गोली उसको लगती भी है, लेकिन भाई जब बंदा बेहद चालाक होता है, ये गिल सिल्वर वाला बंदा होता है जो पहले बच चुका था मुझसे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक होता है स्मोक तो मैं डालता हूँ थोड़ा डराने के लिए, और भाई साहब तभी टोटल के लिए 28 हो जाते हैं। तो आए बाय वाला गेम प्ले आपको पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब खैर, वंदे मातरम, जय हिंद।